लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी में बड़ी कामयाबी मिली। पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद बेहतर प्रदर्शन ही नहीं किया बल्कि नंबर एक पार्टी का ताज भी अपने नाम पर कर लिया। ऐसे में पार्टी एमवीए में बड़े भाई की भूमिका चाहती है। सबसे ज्यादा सीट यानी कि 150 सीट पर लड़ना चाहती है। हालांकि नेता खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस अपने संगठन की बदौलत बड़ी भूमिका चाहती है। लेकिन 7 अगस्त की बैठक में कैसा रखा जाए और सीट बंटवारे को लेकर समन्वय कैसे स्थापित किया जाए उस रणनीति पर चर्चा हुई जिसमें मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य तौर पर कांग्रेस ने चुनावी तारीख घोषित होने के पहले ही अपनी चुनावी प्रचार की तारीख हिसाब से घोषित कर दी है। 20 अगस्त को स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन है। मुंबई में ही उनका जन्म हुआ था। ऐसे में 20 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है जो प्रचार अभियान का ही एक हिस्सा है। कांग्रेस के महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी रमेश चेन्नीतला ने कहा कि 7 अगस्त को होने वाली मीटिंग में हम आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल हमने 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्मोत्सव को कैसे मनाया जाए इस पर चर्चा हुई क्योंकि उनका जन्म मुंबई में हुआ था इस पर चर्चा की। 20 अगस्त को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई में रहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है इसके बारे में हम मिलकर निर्णय लेंगे। एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमने राजीव गांधी की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 7 अगस्त को एमवीए की मीटिंग में सीट बंटवारे से लेकर चर्चा होगी। सीट बंटवारे को लेकर मीडिया के जरिए अलग अलग खबरें आ रही हैं। हमारी भूमिका सभी दलों को साथ लेकर चलना है। हम मिलकर सीट बंटवारे पर बात करेंगे। उन्होंने कहा जिन दो विधायकों की विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी गई है। जल्द ही कार्यवाही को लेकर आपको फैसला सुनने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ आने के लिए कई लोग तैयार हैं। एमवीए में हम सबका उद्देश्य यही है, सबको साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें हराया है, उसके लिए केवल हम नजर आ रहे हैं। ये लोग हर योजना को लेकर हमारी नकल कर रही है। हमने लाडली बहन योजना का विरोध नहीं किया, हम इस योजना को आगे ले जाएंगे, हम थोड़ा और ज़्यादा देंगे। देश गृह मंत्री राज्य में आए, उन्होंने भी इस तरह का भाषण दिया था। इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं कौन क्या बोल रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले समय में कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में नजर आएंगी या इस बार भी लोकसभा की तरह उद्धव गुट महाविकास को लीड करेगी।